हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, इग्नू की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ गई है। आप सभी के जो जून 2023 में एग्जाम होने जा रहे हैं उसकी डेट शीट आ गई। इस वीडियो में हम डेट शीट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको डेट शीट भी दिखाऊंगा कि डेट शीट कब आई है, कैसे है, और आपके एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं, और आपका जून 2023 का जो अगला एग्जाम होने जा रहा है उसके एग्जाम फॉर्म कब आएंगे, और आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, और आप डेट शीट कैसे देख सकते हैं, डेट शीट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको डेट शीट दिखा देता हूँ। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंटेटिव डेट शीट फॉर जून 2023, यानी जून 2023 में जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसकी डेट शीट आ गई। और डेट शीट जो है वो 24 जनवरी को अपडेट की गई थी, बट वेबसाइट पर अब ये शो हो रही है, डेट शीट आपकी रिलीज कर दी गई है। और ये जो डेट शीट है, टेंटेटिव डेट शीट है। टेंटेटिव का मतलब होता भैया संभावित, यानी संभावना है कि एग्जाम ऐसे होंगे और इस तारीख से एग्जाम शुरू होगा। आप डेट शीट को देख सकते हैं। डेट शीट के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको लिखा होगा यह डेट शीट फिलहाल संभावित है, यानी और जून 2023 में जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए है, ठीक है। और परीक्षा फॉर्म जो कब एग्जाम फॉर्म आएगा, अगर मैं एग्जाम फॉर्म की बात करूं तो आपका एग्जाम फॉर्म अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल के महीने में आपका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और अप्रैल और मई दो महीने एग्जाम फॉर्म चलेगा, उसमें आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके एग्जाम को लेकर के कुछ गाइडलाइंस दी गई, उसको यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं कि किस टाइप से आपकी गाइडलाइंस ये हैं, ठीक है। आप इन्हें देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया कि अगर आपको डेट शीट को लेकर के अगर आपको लगता है कि मेरे एग्जाम साथ में हैं या दो एग्जाम एक ही दिन पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डेट शीट @ignu.com को मेल कर सकते हैं इस फॉर्मेट में कि मुझे डेट शीट को लेकर के ये प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये जो बताया गया है ये उन प्रोग्रामों के बारे में लिखा गया है जिनका मल्टीपल चॉइस एग्जाम होगा, ठीक है। ये सारे OMR सीट पर होंगे, ठीक है। OMR बेस सीट पर होते हैं, यानी चार उसमें रहता क्वेश्चन रहता है, चार रहता है ABCD, उसमें से आपको एक लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे BEVE 181, AG BAG है, BCOM G है, BSc G है, BA ऑनर्स हैं, या अदर्स प्रोग्राम है, जितनी भी बैचलर डिग्री हैं, ये सभी का एग्जाम क्या होगा, OMR सीट बेस पर होगा। तो इस बात का आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर अगर मैं डेट शीट की बात करूँ तो डेट शीट आप देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से देखो आपका जो एग्जाम, एक जो डेट शीट है ना, इसमें डे लिख रखे हैं, यानी तारीख कब से लिखी गई उसको नहीं लिखा गया। लेकिन मैं आप सबको बता सकता हूँ कि आप सभी के एग्जाम 1 जून से स्टार्ट होने होंगे, या जून के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। और मैंने आपको बता दिया कि आप सभी के जो एग्जाम है जून फर्स्ट से होगा। यहाँ पर अभी डेट्स नहीं लिखे गए, बट आपका कौन सा एग्जाम किस दिन होगा इसमें दिया गया, और पूरी डेट शीट है आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ day 1, day 2, day 3, day 4, day 5 इसी तरह से बताया गया है, और सारे लगभग 30 डे लिखे गए हैं, ठीक है। ये जून के महीने में 1 जून से एग्जाम स्टार्ट होगा, और जो आपका जो चलेगा आप देख सकते हैं 30 जून तक, ठीक है। ये 30 जून तक आप सभी के एग्जाम चलेंगे, ठीक है। एग्जाम फॉर्म जैसे मैंने बताया कि एग्जाम फॉर्म जो होगा वह आ जाएगा आपको अप्रैल के मंथ में, ठीक है। और एग्जाम 1 जून से स्टार्ट होगा, लगभग 30 जून तक चलेगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है स्टार्टिंग और एंडिंग में, ठीक है। यानी जून में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को असाइनमेंट जमा करना, आप सभी लोग असाइनमेंट जमा कर दीजिएगा। ये जो डेट शीट है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। लगभग जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी कोड हैं, सभी का इसमें डेट शीट में दिया गया है। आप सभी लोग जाकर के अपनी डेट शीट, बट यहाँ पर तारीख नहीं लिखी गई कि एग्जाम आपका कब होगा, बट मैं बता दिया कि जून का महीना है। आप day 1 से लगा सकते हैं, 1 जून 2 जून 3 जून 4 जून, आप इस हिसाब से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 2023 में आपका जून के महीने में एग्जाम होगा। और जो यहां पर मॉर्निंग शिफ्ट, आपको पता होगा इग्नू में जो एग्जाम होता सुबह और शाम होता, सुबह का जो एग्जाम होगा वो 10 बजे से 1 बजे तक, और इवनिंग यानी शाम का जो एग्जाम होता है वह 2 बजे से शाम 5 बजे तक कंडक्ट करवाया जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। डेट शीट आ गई है और मैंने बताया कि 1 जून से एग्जाम स्टार्ट होगा, 30 जून तक चलेगा। एग्जाम फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उसको फिल करना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म आपका अप्रैल के महीने में, ठीक है।
अप्रैल के मंथ में आ जाएगा और अप्रैल मई में आपको एग्जाम फॉर्म जरूर भर देना है और जून में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो देख सकते हैं जून 2023 की डेट शीट टेंटेटिव आ गई है। अभी इग्नो की तरफ से कई सारी डेट शीट रिलीज होंगी, फाइनल नहीं है, बट आपको सर बता दिया कि एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। कुछ इस टाइप से एग्ज़ाम की ओ प्रिपरेशन करना है आप सभी को, जैसे इसमें दिया गया आप उसी से आप एग्ज़ाम की। अभी और भी डेट शीट आएंगी, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जानकारी देता रहूँगा। तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जून 2023 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके बारे में क्लासेस भी मिलने वाली हैं। अगर आप बीएजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर हैं, चाहे सेकंड ईयर हैं, चाहे थर्ड ईयर हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, सोशोलॉजी, इस टाइप के अगर आपके पास सब्जेक्ट हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब। चाहे फर्स्ट ईयर, मैं सभी को पढ़ाने जा रहा हूं, तो जरूर जितने भी बीएजी के स्टूडेंट जिनका बीएजी प्रोग्राम है वो जरूर, और जिनका बीएजी बीए ओनर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, हिंदी है, अगर आप ओनर्स कर रहे हैं तब भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बाकी सभी लोग जरूर करना, क्योंकि लगातार यहां पर मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।